भारत की सबसे बड़ी प्रजनन उपचार चेन इंदिरा आईवीएफ ने नागपुर में अपना नया केंद्र खोला। इस केंद्र के खुल जाने से संतान के इच्छुक माता पिता के लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। केंद्र का उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी डॉक्टर अजय मुर्दिया के साथ इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक और अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंदिरा आईवीएफ के निदेशक और सह संस्थापक नितेज मुर्दिया और डॉक्टर मयूरी असुद्दानी भी इंदिरा आईवीएफ नागपुर की अपनी टीम के साथ उपस्थित रहीं। अपनी उच्च सफलता दर और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध संगठन ने प्रतिवर्ष 33,000 से ज्यादा अधिक भ्रूण स्थानांतरण किए हैं, जिससे यह देश के सर्वश्रेष्ठ फर्टिलिटी क्लिनिकों में से एक बन गया है। यह संगठन मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला और सोलापुर सहित महाराष्ट्र के 13 जिलों में मौजूद है और इसने कुल मिलाकर 6,000 से ज्यादा कपल्स को माता पिता बनने के उनके सपनों को साकार किया है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अजय मुर्दिया इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक और अध्यक्ष ने कहा, मेरे और मेरी टीम के लिए यह बेहद संतोषप्रद बात है कि हम 97,000 कपल्स को आईवीएफ के जरिए सफल समाधान प्रदान कर चुके हैं। हमारे प्रयास ने इनफर्टिलिटी से जुड़े मृतकों को दूर करने और इसके चिकित्सा उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें नागपुर में अपना सेंटर खोलने की खुशी है ताकि हम और अधिक कपल्स को उनका परिवार विकसित करने में मदद कर सकें। भारत में प्रजनन उपचार से संबंधित व्यापक जागरूकता काफ़ी कम है, जबकि ज़्यादातर महिलाओं को संतान ना होने के चलते उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 6 में से एक कपल को बच्चे पैदा करने में मुश्किल होती है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह स्थिति पुरुषों, महिलाओं या दोनों के चलते हो सकती है। असिस्टेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पुरुषों और महिलाओं दोनों को संतान प्राप्ति के लिए समाधान उपलब्ध करती है। इंदिरा आईवीएफ द्वारा प्रयुक्त उत्कृष्ट तकनीक प्रगतियों ने कई कपल्स को उपचार के पहले चक्र के दौरान गर्भधारण करने में सहायता की है। जब हमने 2016 में नागपुर में ऑपरेशन शुरू किया तो हमने अपने क्लिनिक में कदम रखने में लोगों से बहुत झिझक का अनुभव हुआ। इनफर्टिलिटी से जुड़ी वर्जनाएं और जागरूकता की कमी इसके मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। इसके बाद हमने कपल्स को शिक्षित और सूचित करने वाली मार्केटिंग गतिविधियों के माध्यम से केंद्र में अपनी पहल को तेज किया। इनफर्टिलिटी और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। हमने इंदिरा आईवीएफ का 2016 में ही शुरू कर दिया था, पर चूंकि जगह की कमी थी इसलिए ये बड़ा सेंटर हमको खोलना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चाहते थे कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें, इसलिए ये सेंटर की स्थापना की। और इस सेंटर की जो हेड हैं डॉक्टर मयूरी, ये राइट में मेरे, और लेफ्ट में डॉक्टर अमोल हैं जो इस सेंटर का भी देखते हैं और पूना सेंटर के भी सेंटर हेड हैं। ये इंदिरा आईवीएफ में जैसा मैंने बताया आपको कि क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्नोलॉजी, जिससे अधिकतम सुविधाएं, अधिकतम सक्सेस रेट आपको मिलती है, और हमारे जो सक्सेस रेट है अमूमन सभी सेंटर पे वो 75% से ज़्यादा है, और लगभग 35,000 साइकिल हर साल हम जो करते हैं उसमें 75% सक्सेस, जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा है, वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली दे रहे हैं। RI विटनेस सिस्टम हमारे सभी सेंटर पे है, क्लोज वर्किंग टेक्नोलॉजी हमारे सभी सेंटर पे कार्यरत है, और इन दो टेक्नोलॉजी से ये हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कम कीमत पे हम लोगों को दे सकें। अभी तक 95,000 प्लस सक्सेसफुल केसेस इंदिरा आईवीएफ चेन कर चुकी है और ये शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो नंबर ऑफ सेंटर्स जो 105 से ज़्यादा है और सक्सेस, ये सब आप कह सकते हैं कि ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और 95,000 सक्सेसफुल केसेस ये भी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा, किसी भी चेन ने इतने शायद नहीं किए होंगे। जिससे कपल्स को इनफर्टिलिटी को एक चिकित्सा समस्या मानने में भी मदद मिली। इंदिरा आईवीएफ नागपुर में आईवीएफ विशेषज्ञों की हमारी टीम हर इच्छुक माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए समर्पित है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।